हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा सारा काम हो चुका है, दोपहर के बज रहे हैं 1 और मेरे हस्बैंड 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। आज मुझे जाना है डी मार्ट क्योंकि राशन का सामान भी लेना है और थोड़ी बहुत दिवाली की भी शॉपिंग करनी है। तो आप लोगों की दिवाली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं ये मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना निकालने के लिए क्योंकि लगी है बहुत तेज़ भूख। तो बस आप वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, मैंने अपना खाना निकाल लिया है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे लग रही है बहुत जोर से भूख। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना पीना हो गया है डन। मौसम कितना अच्छा हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। लग रहा है कि बारिश होगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा ज़्यादा टाइम पास यहीं पे आके होता है फ्रेंड्स। लग रहा है जैसे बारिश होगी, मौसम तो वैसे ही किया हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ। A few moments later. और फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। फिर शाम में मेरे हस्बैंड आए तो हम दोनों निकल गए डी मार्ट के लिए। यहाँ पे मस्ती करते हुए क्या बोला तूने? हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे खुल गया है। ठीक है, देख लो, एक दूध ले लो। ले लो, आपके जी उधर होगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई थी सेकंड फ्लोर पे। मुझे लेना था शैम्पू वगैरह, कोल्ड क्रीम, तो मैं आ गई थी।
और डी मार्ट की खास बात है कि ये लगती है फ्रेंड्स कि हर एक चीज़ पे, हर एक सामान पे कुछ परसेंट डिस्काउंट मिलता है, तो मतलब वहाँ शॉपिंग करने में मज़ा आता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे दिवाली का भी ऑफर चल रहा है, तो शॉपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और फ्रेंड्स यहाँ पे दिवाली के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी लाइटें मिल रही थी, तो मुझे एक अच्छी लगी तो मैंने वो भी लिया। और ट्रेन सामान भर भर के पूरे ट्रॉली को हमने फुल कर लिया था, और फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ काउंटर पे। और फ्रेंड्स काफ़ी टाइम के बाद हमारा नंबर आया। और फाइनली फ्रेंड्स अंदर की भीड़ से बाहर निकले, और ये बाहर का कुछ इस तरीके से व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा रौनक है। और उसके बाद हमें ये आंटी मिल गए। ना तो बड़ा तीसरा है, सॉरी हिंदी नहीं आता, हमारे भी निकल दिए हैं, आपका भी निकाल ले। ओके। तो फ्रेंड्स ये आंटी बोल रही थी कि मेरा भी निकाल लिया, मतलब कि मेरा भी वीडियो बना लिया, तो मैंने बोला कि आपका भी निकाल दूँ, तो नक्को यहाँ नहीं को नक्को बोलते हैं फ्रेंड्स। और आंटी काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी। फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग निकल लिए अपने घर की ओर, और चलते चलते रास्ते में देखिए मुझे ये क्या दिख गया, ये गोलगप्पे वाले भैया। तो फिर भाई मैं काहे के रुकूं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए, तो यहाँ पे तो इनके पास तो बहुत भीड़ है, तो मैं साइड में होकर अपने टाइम का वेट कर रही थी कि कब मेरा नंबर आएगा। और बड़ी मुशक्क़त के बाद मेरा नंबर फाइनली आ ही गया, और उसके बाद भैया ने एक प्लेट और प्याज पकड़ा दिए, और बस इंतज़ार करवाए जा रहे हैं, मुझसे कंट्रोल हो नहीं रहा है। और ये अब जाके मेरे प्लेट में ये पानी पूरी आया आया आ गया, और अब मैंने इसमें प्याज डाल के और अपने मुंह में डाला, आहा इतना आनंद आया, इतना सुकून, ये देखिए बस लग रहा था कि ये बनाते रहें और मैं बस खाती रहूँ। और सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पानी पूरी थी। तो बस खा पी के वहाँ से फिर हम निकल लिए अपने घर की तरफ। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं डी मार्ट से सामान लेके, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं अब और थक भी गए हैं।
तो फ्रेंड्स फाइनली मैं घर आ गई हूँ। सामान लेके बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं अभी दिवाली में तो काफ़ी ज़्यादा समय है लेकिन अभी से ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। ओह लेकिन वहाँ पे सामान इतना अच्छा अच्छा दिवाली के लिए मिल रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने कुछ कुछ लिया भी है तो अभी, और टाइम क्या हो गया, 9:30 हो गए, 9:45 हो रहा है फ्रेंड्स। तो अभी हम जा रहे खाना वाना बनाने और खाना बना के फिर खा पी के फिर आपसे मिलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था, रात के बज रहे थे 12:15 और मैं आ गई थी क्योंकि कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ें निकालनी थी, वो मैं निकाल रही हूँ। बाकी तो राशन मैं जब सारे डब्बे किचन का धो लूँगी उसके बाद ही उनमें भरूँगी। तो अभी तो दिवाली की सफाई भी करनी अभी बाकी है। फ्रेंड्स हमारा खाना पीना सब हो चुका है और रात के बज गए 11:30, तो अब हम सोने की तैयारी करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।